नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसक्रीम प्लांट के बारे में कि अगर आप आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपकी कौन कौन सी मशीनरी लगेंगी और लगभग इसमें कितनी लागत आएगी। साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि आइसक्रीम बनाने में कितना खर्चा आता है। आइसक्रीम के साथ साथ हम फ्रोजन डेजर्ट के बारे में भी बात करेंगे और आइसक्रीम के अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए, आइसक्रीम की मशीनरी की पूरी जानकारी के लिए और इसमें क्या लागत है, क्या मार्जिन है, तो एक तरह से आइसक्रीम के बिजनेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आइसक्रीम के प्लांट में कौन कौन सी मशीनरी होती है। हम इस वीडियो में मेन मशीनरी के बारे में बताएंगे कि हिंद शेफ आइसक्रीम प्लांट के लिए कौन कौन सी मशीनरी मैन्युफैक्चर करता है। तो सबसे पहले जो मेन मशीनरी है जो आइसक्रीम प्लांट में सबसे पहले काम की होती है वो होती है पाश्चराइजर। तो पाश्चराइजर का काम क्या होता है, पाश्चराइजर मिल्क को या मेरे रॉ मटेरियल को गर्म करता है ताकि उसके सारे कीटाणु मर जाएं। तो पाश्चराइजर एक खास टेम्परेचर पे मेरा रॉ मटेरियल है उसको गर्म करता है, तो इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो पाश्चराइजर हम बैच पाश्चराइजर बनाते हैं, मतलब कि आपको टैंक टाइप का पाश्चराइजर मिलेगा जिसमें आप 100, 150, 200 या 500 लीटर की कैपेसिटी में लगा सकते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप हुआ पाश्चराइजेशन, जहां हम अपने दूध के कीटाणु मार रहे हैं। पाश्चराइजेशन का फ़ायदा क्या होता है, एक तो मेरी आइसक्रीम हाइजेनिक हो गई, दूसरा उसकी लाइफ भी बढ़ती है क्योंकि उसमें अभी कोई कीटाणु नहीं है, तो आगे क्योंकि सारी लाइफ में कोई कीटाणु नहीं आ पाएगा, इससे मेरी आइसक्रीम हाइजेनिक होगी और उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो जो नेक्स्ट मेरा कंपोनेंट है उसको बोलते हैं होमोनाइजर या होमोजेनाइजर। तो होमोजेनाइजर का काम होता है कि जो मेरा मिल्क होता है और जो मिल्क फैट होती है तो उनको अच्छे से मिक्स करना है। तो क्योंकि फैट मिल्क में मिक्स तो नहीं होती है, तो होमोजेनाइजर क्या करता है कि जो मेरी फैट है और जो मेरा मिल्क है उसको बहुत ही बारीक छलनी से गुजारता है जिससे फैट के बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टुकड़े हो जाते हैं और वो दूध में हमेशा के लिए तैरते रहते हैं। तो होमोजेनाइजर होता है वो मेरे जो आइसक्रीम का जो बेस मैंने तैयार किया, जो मैंने पाश्चराइजर से निकाला, उसको वो होमोजेनाइज करता है, मतलब उसको एक सार करता है ताकि दूध में मलाई ना आए। अगर दूध में मलाई आती है तो कहीं मेरी आइसक्रीम गाढ़ी होगी, कहीं पतली होगी। तो होमोजेनाइजेशन आइसक्रीम बनाने का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर आप आइसक्रीम की जगह फ्रोजन डेजर्ट बना रहे हैं, मिल्क फैट की जगह हम वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल करते हैं या किसी अन्य फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में भी होमोजेनाइजर बहुत काम की मशीन है क्योंकि ये जो मेरा ऑयल होगा या जो मेरा अदर फैट होगा मिल्क फैट के अलावा, उसको भी जो मेरा बेस होगा, जो मिल्क बेस होगा या मिल्क पाउडर से जो बना बेस होगा उसमें अच्छे से मिलाने का काम करेगी। तो होमोजेनाइजेशन आइसक्रीम के यूनिफॉर्मिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इससे इसका एक और फायदा है कि जो मेरा बेस होता है वो पूरी लाइन में स्टेबल रहता है, मतलब वो बैठता नहीं है। तो पाश्चराइजेशन, उसके बाद होमोजेनाइजेशन, आगे हम बताएंगे कि अगला कंपोनेंट कौन सा होता है। तो दोस्तों होमोजेनाइजेशन के बाद एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो कि मेरे बेस को ठंडा करता है। तो अब हम आगे मेन कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं जिसको कि फ्लेवर टैंक बोलते हैं। तो फ्लेवर टैंक में मैं अपने स्टेबलाइजर, फ्लेवर्स और कलर मैं अपने बेस में ऐड करता हूँ। तो फ्लेवर टैंक इनके मिक्सिंग का काम करता है और साथ के साथ जो मेरे बेस के इंग्रेडिएंट हैं उनको ठंडा भी रखता है। तो फ्लेवर टैंक में मिक्सिंग के बाद, जैसे कि हमारे होमोजेनाइजर और पाश्चराइजर बैच में थे, मतलब एक रुक के उनमें काम होता था, जैसे कि 100 लीटर माल आया, 100 लीटर माल में मिक्सिंग करी, फ्लेवर मिलाया, स्टेबलाइजर मिलाया, कलर मिलाया, उसके बाद वो बैच मेरा अगली स्टेज पे जाता है। तो अगली स्टेज को बोलते हैं एजिंग वैट। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, एजिंग वैट का काम होता है कि इस टैंक में जो मेरा रॉ मटेरियल होता है वो मैं कुछ देर के लिए रख देता हूँ और उसमें साथ धीरे धीरे मिक्सिंग भी होती रहती है। तो एजिंग वैट का काम होता है कि जो मेरे कलर होते हैं और जो मेरे फ्लेवर होते हैं और जो स्टेबलाइजर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब उभर के आते हैं। जैसे कि कलर डालते ही एकदम से यूनिफॉर्म नहीं हो जाता है, तो एजिंग वेट का काम कलर को, फ्लेवर को और स्टेबलाइजर मतलब जो आइसक्रीम को गाढ़ा करता है और आइसक्रीम को पानी और आइसक्रीम को अलग नहीं होने देता, तो ये वाले सारे कंपोनेंट एजिंग वेट में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एजिंग वेट में आपको अपना जो बेस है वो 4, 8 या 12 घंटे रखना पड़ता है, उसके बाद जो मेरा मटेरियल तैयार होता है वो आइसक्रीम बनने के लिए 100% रेडी है। तो अब वो सीधे आइसक्रीम मशीन में जाएगा। तो आइसक्रीम मशीन अब मेरी दो तरह की होती है, एक होता है मेरा बैच फ्रीजर। तो अगेन जैसे कि हम अपनी पुरानी सारी मशीनों की बात कर रहे थे, तो वो बैच में
काम कर रही थी, मतलब 100, जैसे 50 लीटर माल आया, 100 लीटर माल आया, एक बैच आया, उसने बैच को प्रोसेस किया, फिर वो अगली मशीनरी में चला गया। तो एक बैच फ्रीजर हो गया जिसमें मैं 5, 10, 15, 20 लीटर माल डालूंगा और वो मेरा जो मेरा बैच है वो फ्रीज होकर बाहर निकलेगा। दूसरे तरह की मेरी आइसक्रीम मशीन होती है जिसको कंटिन्यूस फ्रीज़र बोलते हैं। कंटिन्यूस फ्रीज़र वास्तव में आइसक्रीम को जमाने का काम करता है। तो कंटिन्यूस फ्रीज़र में एक तरफ से मेरा आइसक्रीम का बेस जाता है और दूसरी तरफ से आइसक्रीम फ्रीज होकर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस फ्रीज़र आइसक्रीम को जमाता तो है लेकिन हार्ड नहीं करता है, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर पाएगी। तो जो मेरे कंटिन्यूस फ्रीज़र से जो मेरी आइसक्रीम निकलती है उसको मैं अपने जो पैकिंग है उसमें भरता हूँ और उसके बाद मैं हार्डनिंग के लिए डीप फ्रीजर या आइसक्रीम हार्डनर में डाल देते हैं। तो ये पूरी मेरी आइसक्रीम बनाने की साइकिल हो गई। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले होता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में जो मेरे बेस के कीटाणु नष्ट किए जाते हैं। उसके बाद होमोजेनाइजेशन होता है। होमोजेनाइजेशन मेरे बेस को यूनिफॉर्म बनाता है, फैट को अच्छे से जो मेरा बेस है उसमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो मेरे फ्लेवर टैंक आते हैं जिसमें कि मैं फ्लेवर, कलर और स्टेबलाइजर मेरे आइसक्रीम बेस में ऐड करता हूँ। उसके बाद जो मेरा मेन कंपोनेंट है वो एजिंग वेट है, जिसमें मेरी आइसक्रीम 4, 6, 8 या 10 घंटे के लिए हिलती रहती है ताकि उसमें कलर और फ्लेवर निखर के आए। और जो मेरी उसके बाद की स्टेज है, जो मेन स्टेज है जिसमें असल में आइसक्रीम बनती है, वो कंटिन्यूस फ्रीज़र है, जो कि आइसक्रीम को माइनस के टेम्परेचर में लेके जाता है। उसके बाद मेरी आइसक्रीम पैक करने के बाद हार्डनिंग के लिए, नहीं सख्त होने के लिए, और ज़्यादा ठंडे या कोल्ड रूम में या फिर डीप फ्रीजर में या आइसक्रीम हार्डनर में रखी जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई मशीनरी की बात, अब आइए करते हैं लागत की बात। तो आइसक्रीम बनाने में क्या लागत आती है, लगभग हम बताएंगे क्या लागत आती है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों लागत के बारे में हम आपको रुपीज़ में नहीं बताएंगे, क्योंकि दूध का भाव, मिल्क पाउडर का भाव और इन सारी चीज़ों का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। हम मेन बात करेंगे कि कितना रॉ मटेरियल लग जाता है। तो अब अगर आप असल में आइसक्रीम बना रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग बनाते हैं, जिसमें लगभग 8% से ज़्यादा फैट होना चाहिए, उस तरह की आइसक्रीम में आपका मिल्क प्लस आप 8% क्रीम की कॉस्ट ऐड करें और उसके बाद आप फ्लेवर वगैरह की भी कॉस्ट ऐड करें, तो अगर आप इस तरह की आइसक्रीम बना रहे हैं तो इस तरह की आइसक्रीम आपको लगभग 60 रुपये लीटर, रेडी आइसक्रीम 60 रुपये लीटर पड़ेगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि मेरा दूध ही 50 रुपये लीटर है तो आइसक्रीम 60 रुपये लीटर में कैसे बन जाएगी, तो उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आइसक्रीम, एक लीटर आइसक्रीम का वजन लगभग 500-550 ग्राम होता है। तो एक लीटर आइसक्रीम में पूरा माल नहीं होता है, क्योंकि आइसक्रीम में बेस के साथ हवा भी ऐड हो जाती है। जो मेरा लास्ट स्टेज जो हमने बताई थी कंटिन्यूस फ्रीज़र, उसमें आइसक्रीम के अंदर हवा भी ऐड हो जाती है। तो इसी वजह से अगर मैं बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाता हूँ, असली मिल्क क्रीम यूज़ करके आइसक्रीम बनाता हूँ और 8% से ज़्यादा फैट कंटेंट रखता हूँ, तो मेरी आइसक्रीम लगभग 60 रुपये लीटर पड़ेगी, जिसमें कि मेरा सारा रॉ मटेरियल का खर्चा, बिजली का खर्चा, लेबर सब आ गए हैं। वहीं अगर मैं मीडियम फैट की आइसक्रीम बनाता हूँ, तो मीडियम फैट का मतलब है 4% से 8% मिल्क क्रीम, तो मेरी कीमत लगभग लीटर पे लगभग 8 से 10 रुपये कम हो जाएगी। वहीं अगर हम फ्रोजन डेजर्ट की बात करें, जिसमें मिल्क क्रीम की जगह हम वेजिटेबल फैट या किसी अन्य तरह की फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी लागत आपकी 35-40 रुपये के लगभग आएगी। तो ये हमने मोटा मोटा बताया कि आइसक्रीम पर लीटर क्या रेट आपको पड़ेगी। तो दोस्तों ये इस आइसक्रीम प्लांट के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, या आप कुछ पूछना चाह रहे हो, या अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो कि इस तरह का वीडियो बनाएं, तो आगे हम उस तरह का वीडियो भी बनाएंगे। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप आइसक्रीम प्लांट में इंटरेस्टेड हैं या आपका आइसक्रीम प्लांट से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अगर आप फूड बिज़नेस से जुड़े हैं या भविष्य में कोई फूड बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे कि बेकरी बिज़नेस या रेस्टोरेंट बिज़नेस या फिर आइसक्रीम प्लांट लगाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मशीनरी के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फूड बिज़नेस से रिलेटेड आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।